दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। अभय सिंह चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट मिली है, वो भी ऐलान कर चुके हैं। सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ साथ ही शुरू हो चुके हैं राजनेताओं के दौरे, गांवों में गांव की तरफ जाना, मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये तमाम काम शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही उठने लगे हैं गड़े मुर्दे। गड़े मुर्दे उखड़ना मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव के दौरान में जनता को वो तमाम बातें याद आती हैं जो नेताओं ने की होती हैं। और जब राजनेता वोटों की अपील के लिए गांव में चौपाल पर, गली में, गलियारे में, मोहल्ले में जाते हैं, तो फिर जनता उनसे सवाल करती है, जनता विरोध भी करती है, वो हो रहा है। दुष्यंत चौटाला अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व सरकार से अलग हुए, ताज़ा पूर्व उप मुख्यमंत्री। ताज़ा इसलिए कहा है कि कुछ दिन पहले तक भी वो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, हरियाणा सरकार के अंदर उनका बड़ा दखल था। आजकल जहाँ भी कहीं जा रहे हैं गांवों में दौरे पर, उनका विरोध हो रहा है। उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। नज़ारा आप देखिए, इस नज़ारे में देखिए, नारनौंद हलके का गांव है, हिसार जिले का नारनौंद क्षेत्र और वहाँ का गांव आप देखिए, खुद देखिए आप। तो दुष्यंत चौटाला आप देख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनसे कह रहे हैं कि जैसे आपने किसानों के साथ किया था वैसे हम कर रहे हैं। अब दुष्यंत चौटाला के साथ साथ देखें तो फिर रंजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री अभी भी हैं, आज तक भी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं और लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा क्षेत्र से, वो भी कई जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तमाम नारेबाजी, बैरंग लौटना पड़ा। अपना भाषण छोड़ करके बीच में पुलिस की सिक्योरिटी में मंत्री जी को निकलना पड़ा, ये देखा वहां पर हिसार में। अशोक तंवर हाल ही में ताज़ा वो कुछ दिन पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जुम्मा 2-3 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में आके, उनको सिरसा लोकसभा का टिकट दिया गया है। और अशोक तंवर साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ विरोध हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ काले झंडे दिखा रहे हैं, मुर्दाबाद हो रही है। मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से कैंडिडेट हैं, वो जहाँ जा रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है। अब सिरसा की तो कंडीशन ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच गए हैं वहाँ पर, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई किस प्रकार से ये सब चल रहा है। हम इस यहाँ नहीं जा रहे चुनावी हार जीत क्या होगी, चुनाव का मुकाबला क्या होगा, ये हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि आखिर किसानों का विरोध इतना बड़ा क्यों है और आखिर सरकार के सामने ये परेशानी क्यों आ रही है कि उनको जगह जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और फिर उसके लिए आगे तरीका क्या खोजा जा रहा है। जैसे दुष्यंत चौटाला वाला मामला है, आप देखें तो दुष्यंत चौटाला जी के विरोध को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कहना पड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो उनका विरोध हो रहा है उस पर मनोहर लाल जी को कहना पड़ा कि भैया ऐसे विरोध मत करो, आपके पास वोट का राइट है। अरे वोट का राइट तो मनोहर लाल जी है, वो वोट का राइट तो लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतना गुस्सा लोगों में है कि आखिर वो नेताओं को गांवों में घुसने तक नहीं दे रहे। और वो कहते हैं कि आगाज़ मोहब्बत है, बिगड़ा क्या है, आगे आगे देखिए होता क्या है, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है। दुष्यंत चौटाला साहब अपने उस हिसार लोकसभा क्षेत्र जहाँ से वो चुनाव लड़े थे और फिर वहाँ के वो विधानसभा क्षेत्र जहाँ वो जा रहे हैं, किसान गुस्से में हैं और गुस्से में होकर के वो गांवों में आने नहीं दे रहे। भाजपा के प्रत्याशियों के अभी साथ भी यही कई स्थानों पर स्थिति हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या ये गुस्सा आगे और बढ़ेगा? आपको क्या लगता है कि क्या ये किसानों का गुस्सा वाजिब है या फिर उनको
अपने वोट के समय पे इसका हिसाब किताब करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि क्या वोट की चोट भी दी जा सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।